सो गाइज रात के 11:30 बज रहा है, लेकिन सबनम हमको छोड़ के नहीं जाना चाह रही है। मेरे प्रसू लवर्स मेरे लिए भी कुछ हेट कमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरे पे सवाल नहीं उठ रहा, आप पे ही सवाल उठ रहा है कि आप क्या मेरी बातों को सीरियस मत कर। लेकिन सबनम से बहुत पहले से बात होती थी हमारी। सो गाइज आज हमारा कोलकाता में थोड़ा बुरा दिन गया, क्योंकि सुबह से मेरा चार्जर गुम है। चार्जर बोले तो केबल मेरा मिल नहीं रहा है, खो गया केबल। तो फिर इधर उधर ढूंढने के बाद कहीं केबल नहीं मिला, तो फिर सबनम को कांटेक्ट करना पड़ा, क्योंकि सबनम के पास आईफोन है। तो सबनम लेके आई है अपना केबल, और फिर हम लोग एक मॉल गए, एक्सिस मॉल, वहाँ पे हमें फाइनली मिल गया। तो आप जब एक्सिस मॉल आए थे तो वहाँ तो आपको केबल मिल ही गया था, मुझे क्यों बुलाया, मैं समझ नहीं रही। तो वो एक्सिस मॉल जाने से पहले आप आ गए ना, तो आपने फोन क्यों किया आप पहले दुकान पे? अरे तो मुझे लगा कि एक्सिस मॉल में भी नहीं मिलेगा, तो पहले जाके देखना चाहिए ना। नहीं, हम सोचे कि अगर एक्सिस मॉल में भी नहीं मिलेगा तो लेट हो जाएगा, और लेट हो जाएगा तो फिर आप आओगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, फिर चार्ज भी नहीं होगा, और वो क्या बोलते हैं, हमें फोटो भी पोस्ट करना था इंस्टाग्राम पे, तो जिसके कारण आपको बुलाना पड़ा। तो फाइनली अभी मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, तभी हम ब्लॉग भी शूट कर पा रहे हैं। ठीक है, किसके चार्जर से चार्ज हो रहा है? आपके केबल से चार्ज हो रहा है, दिए तो इससे पहले भी तो क्रेडिट दिए ना आपको, हर वक्त दीजिए, हर लाइन पे दीजिए, हर लाइन पे क्रेडिट चाहिए इनको। सो अभी अभी इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो पोस्ट की है, वो फ़ोटो आप लोगों ने देखा होगा, वो विक्टोरिया का, वो सबनम के साथ था। तो फिर बताइए कमेंट करके वो फ़ोटो आप लोगों को कैसा लगा, और आगे भी अगर हम दोनों का साथ में ऐसा पिक्चर्स वगैरह चाहते हो आप लोग कि अपलोड हो, तो फिर कमेंट करके बताइएगा, है ना? क्या समझ? सो आप लोग फालतू में इनके लिए बुरा हेट कमेंट्स करते रहते हो, सो हेट कमेंट्स मत करो, क्योंकि काफ़ी हेल्पिंग नेचर वाली लड़की है। कोलकाता में अभी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता, वन एंड ओनली सबनम थी जो मेरा हेल्प की। सो डोंट डू हेट कमेंट्स, ओके? हाँ तो सबनम जी, रात के 11:30 बज रहे हैं, आप यहाँ बीस बंगला पे क्या कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आई थी, यहाँ मेरा घर है, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात? हम तो घूमने आए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम से आई थी। किस काम से? किसी को चार्जर देने आई थी। किसी को चार्जर देने आए थे, तो फिर चार्जर तो दे दिए, तो अभी क्या कर रहे हो? उसने मुझे बोला कि अभी आप रहो, अभी थोड़ी देर बाद जाना। अच्छा, तो थोड़ी देर भी हो गया, अभी से आप आए हो, 6 बजे से आए हुए हो। गजब बेइज्जती है। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:12 हो रहा है, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? 11 या 12 हम समझे नहीं, मतलब 11:12। यस क्या कर रहे हो आप यहाँ? आपने बोला रहने के लिए इसलिए। अच्छा, इतनी रात को आपको डर नहीं लगता है यहाँ पे अकेले, मतलब इतनी रात में आप अनजान लड़के के साथ घूम रहे हो? ये आपका बिहार नहीं है, कोलकाता है। अच्छा, कोलकाता है, फिर भी आप अनजान लड़के के साथ घूम रहे हो, उसका क्या राय है उसके बारे में? कुछ नहीं कर पाएगा, हम ही उसको मार देंगे। क्या क्या फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? हम ही उनको मार देंगे, क्योंकि कुछ खाता पीता नहीं है, बॉडी वगैरह नहीं है, उनसे ज्यादा वेट तो मेरा है, तो डर क्यों लगेगा? अच्छा, तो जिसका वेट रहता है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है। चलिए तो फिर लड़ते हैं दोनों साथ में, देखते हैं कौन जीतता है। नहीं, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं लड़ती। अच्छा, अभी तो आप बोले कि हरा दोगे आप, तो हरा दोगे, मुझे पता है रिजल्ट। टाइम टाइम फिश अभिषेक जी होते तो मैं सोचती। अच्छा, अभिषेक जी से और लड़ोगे? वो तो ऐसे ये वाले उंगली से फूंक देंगे वो। अगर अभिषेक जी ये ब्लॉग देख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और मेरी बातों को सीरियस मत करो, और ऐसे सबनम को फूंक के उड़ा दो। अभी हम लोग यहाँ 20 बंगला गेट पे हैं, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, और बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है यहाँ पे बैठ के, ठंडा ठंडा फील हो रहा है एकदम। देखिए देखिए, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सिर्फ हम ही गरीब है, जो इसमें एक रूम भी मेरा नहीं है इन सारी बिल्डिंग में।
आपका भी तो नहीं है आपका साथ देने के लिए हम नहीं लिए, वरना हम चाहते तो ले सकते थे। ओहो बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो। पैसा ही पैसा है। हाँ तो सबनम जी बताइए कि अभी हम लोग जो रील डाले हैं उस पर काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, और शायद मेरे लिए भी कुछ कमेंट्स, मेरे लिए भी शायद मेरे प्रश्न लवर्स मेरे लिए भी कुछ हेट कमेंट्स कर रहे हैं गुस्सा होके, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है बताओ आप। प्यारी समझ गई क्या हो सकता है रीजन। सवाल पूछते हैं कि मैं क्या ही रिप्लाई करूं, क्या रीजन होगा मुझे कैसे पता। नहीं फिर भी मतलब क्यों इतने हेट कमेंट्स आ रहे हैं? क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि उनको लग रहा है रियल। यस सो हमारी केमिस्ट्री अच्छी है बस इसलिए आप लोगों को रियल लग रहा है, ठीक है। सो गाइस अभी फाइनली सबनम को बाय बोलने का टाइम आ गया है। कौन सा टाइम है अभी? अभी कितना टाइम हो रहा है? सो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, हैव अ घोस्ट वाला ड्रीम, यू टू। चलिए फिर आपको ऑटो पकड़वा देते हैं। घोस्ट वाला वो मतलब आप ही आओगे? सो गाइस हम आपको घोस्ट दिखते हैं क्या, किस एंगल से दिखते हैं बताओ? चार एंगल से। गजब बेइज्जती है। चलिए फिर ये बहुत छोटी बच्ची है तो इनको पहले ऑटो पकड़वा देते हैं, नहीं तो फिर खो जाएगी इधर ही कहीं, है ना। चलिए छोटी बच्ची जी देखिए इनको लिफ्ट पे भी नहीं चढ़ना आता है, बेचारी कितना डर रही है, मतलब वही सब्बे पे भी चढ़ना नहीं आ रहा है, कितना डरती है। चढ़िए ना। अरे नहीं यार चलो। कोई नहीं देखिए गाइस हाथ पकड़ के चढ़ाना पड़ा। छोटी बच्ची ऊबर में बैठने जा रही है, बाय बाय छोटी बच्ची। सो गाइस हम लोग आए थे इको पार्क और आते के साथ बारिश इतनी तेज देख सकते हो आप लोग, और इस बारिश में सबनम लेज एंजॉय कर रही है, और सबनम के सर पे कुछ निशान दिख रहा होगा, निशान दिखाइए। वो इनको चोट लग गया ऑटो से उतरते हुए। अरे बाप रे हम क्यों मारेंगे आपको, हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते। सो प्रे फॉर सबनम कि जल्दी से इनका सर का वो चोट ठीक हो जाए। तो गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, देख सकते हो आप लोग कितनी तेज बारिश हो रही है। सो गाइस फिर से हम लोग कहाँ है गेस करो आप लोग। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें इको पार्क से अच्छा कहीं लगता ही नहीं है, और देखा जाए तो इको पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यू है, एक ही पार्क में बहुत सारा व्यू है, छोटा छोटा ऐसा स्पेस बना हुआ है जहाँ पे जैसे जापानीज फॉरेस्ट, फिर उधर सेवन बंडर्स, तो बहुत कुछ है, इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ पे आ जाते हैं। ये दोनों के अलावा भी बहुत कुछ पता है हमको। हाँ बताइए। वो हम एक्सप्लोर अभी तक नहीं किए। ये दोनों इनको क्यों पता था? मुझे पता था, मैं लेके आई। तो फिर हम घूमे तो हमको पता चला ना। सो फिर से हम लोग इको पार्क आए हुए हैं क्योंकि कोलकाता में और कहीं जाते हैं तो विक्टोरिया गए और साइंस सिटी गए तो वहाँ मज़ा नहीं आया, तो फिर हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि कहीं और जाके ऐसे फालतू का टाइम वेस्ट करें, तो फिर से हम लोग आ चुके हैं यहाँ इको पार्क, और सबनम भी हमें बार बार इको पार्क ही सजेस्ट करती है, बोलती है इको पार्क ही चलते हैं, तो फिर इको पार्क ही आना पड़ता है। हाँ वैसे इको पार्क इतना भी बुरा नहीं है, आप लोग भी आ सकते हो और आके सबनम को कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सबनम से अच्छा इको पार्क के बारे में कोई नहीं जानता है। यस घुमा सकती है। तो गाइस सबनम का रील बना बना के हालत देख सकते हो, पसीने से हालत ख़राब है। इधर दिखाइए अपना शक्ल, कैसा लग रहा है आपको इतना पसीना में? मज़ा आ रहा है? हाँ। अभी और कितना रील बनाना है? मुझे तो नहीं बनाना है। आपको नहीं बनाना है? अब तो फिर चलिए। हाँ। घर? हाँ। आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर चली जाऊँगी। आपका घर कहाँ है? कहाँ? जुरासिक पार्क। हाँ
जुरासिक पार्क जंगल से भागी हुई है लड़की। सो सबनम इको पार्क में फिर से एक नया जगह एक्सप्लोर कराने जा रही है। उस जगह का नाम क्या है सबनम? कुछ नाम नहीं है, हाँ है। भूत पंगला, मतलब भूत झोपड़ी खोपड़ी। आपको आपके घर में छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप तो भूत ही हो ना। और आप चुड़ैल। सो इसका नाम क्या है? चलिए अंदर। अंदर क्या है वैसे? कुछ भी नहीं है वैसे। लोग बैठते हैं क्या? नहीं, खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं वहाँ पे तो बैठे हैं लोग। अंदर का व्यू चेक कर सकते हो आप लोग, काफ़ी प्यारा व्यू है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ हम लोग आ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा व्यू है। काफ़ी स्पेसियस जगह है। पहले आते तो हम लोग यहाँ पे रील भी बनाते, लेकिन अभी शाम हो गया है और इतना प्रॉपर लाइट भी नहीं है कि हम लोग रील बनाए। ये क्या है सुनो? आप बैठ के गाना बजा रहे हो कहाँ पे? सही से बताइए, नहीं कौन है? नाम तो नहीं लिखा है, ऐसे ही मूर्ति बनाया होगा। कोलकाता क्यों आप इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं पता है? क्या यार, आप कोलकाता छोड़ दो यार, कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता आपको कोलकाता के बारे में? बिहार आके बिहार का भी नाम बदनाम कर दोगे। कुछ दिन रहोगे बिहार में, बिहार के बारे में भी नहीं जान पाओगे। इतने दिन से कोलकाता में रह रहे हो, कोलकाता के बारे में कहाँ कुछ जाने। क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हैं कि यहाँ का नॉलेज होना चाहिए आपको। वाटरफॉल, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा ही। दूर दूर तक खाली वाटरफॉल ही है। हाँ तो भीगने क्यों जा रहे हो? अरे इस पानी में आप नहीं भीगोगे बाबा, भीग जाएंगे। जल्दी चलिए, उधर नहीं है। ड्रिजलिंग हो रहा है, ड्रिजलिंग लग रहा, फॉग है, स्मोक टाइप। ओहो, भूखकर दिन भर खाते रहती है, घर से कुछ खा के नहीं आती है, खाली लेज कुरकुरे केक चॉकलेट खाती है। आप में से भी ऐसा कोई है तो फिर इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, बाकी पैसा खुद का लगाना पड़ेगा। बारिश में भीग गया वो ड्रिजलिंग में। ये देखिए गाइस कितना बड़ा जिराफ है जंगल में, शकल मैच कर रहा है ना। देखिए, और इधर इधर हिरन, ब्लैक हिरन, एक कलरफुल हिरन है। सो गाइज हम लोग को बहुत जोर की भूख लगी थी, तो फिर हम लोग अभी बिस्वांगला गेट पे आके बैठ गए क्योंकि हमारा एनर्जी काफ़ी डाउन हो गया था और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था कुछ खाने के लिए, यहाँ पे आसपास में नहीं मिल रहा था, तो हम लोग जोमेटो से कुछ ऑर्डर किए। क्या क्या ऑर्डर किया? मेरा एक पराठा और इस इंसान का दो प्लेट बिरयानी विद चिकन चाप। और क्या बोले थे? चिकन चाप रायता भी चाहिए। गाइस देख के लगता है कि हम दो प्लेट बिरयानी खा सकते हैं, लेकिन इधर देख के लगता होगा कि ये चार प्लेट बिरयानी खा सकती है। ठीक है, जब आएगा ना तब हम व्लॉग बनाएंगे। हाँ, जब आएगा तो दिखाएंगे कि किसका ज्यादा है। ठीक है, तीन पराठा ऑर्डर किए है, वो भी बड़ा बड़ा पराठा, जो बड़ा वाला नहीं होता है। अरे वो भैया नहीं खाता है पराठा, भैया बिरयानी खाएगा, मेरा हाफ बिरयानी खाएगा, वो मेरा एक प्लेट है उसमें से हाफ खाएगा, तीन पराठा खुद के लिए किए है। अच्छा देख के आप लोग बता सकते, मतलब हाथी की तरह, तो फिर कौन खाएगा ज्यादा? यही खाएगी ना। और वैसे भी हम कभी आंखों का देखा सच नहीं होता है, वो तो आपका भी रील पे दिख ही रहा है ना? अच्छा, ठीक है, तो फिर हम दिखाते हैं कैसे खाती है ये, एक बारी में एक पराठा खाती है। भले इनका सूंड नहीं है, लेकिन हाथी से ये पीछे नहीं है। ठीक है, हाथी है, इनको नहीं बोलेंगे, फीमेल है ना, तो हथनी हाथी को फीमेल। सो गाइस हमारा बिरयानी, और उधर उधर क्या है,
उधर चिकन चाप और पराठा आ गया है, ये देख सकते हो आप लोग। हम लोग फर्स्ट टाइम बीस बंगला के पास बैठ के डिनर कर रहे हैं। अरे घंटा पराठा क्या, इनको इनको पानी गर्म भी करना नहीं आता गाइस, ये पराठा कैसे बनाएगी, झूठ बोलती है सरासर, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा, हर बार एक नया झूठ बोलती है लड़की। और ये बिरयानी भी मैं ही बना के लाई हूं। और अब ये भी बोल दो आपकी, हम दोनों को भी आप ही बनाए हो। सो गाइस फाइनली हम लोग खाना खा चुके हैं। आपने चार प्लेट बिरयानी खाया वो बोला आपने, चार प्लेट बिरयानी आया, इन्हें चार पराठा आया था जो आप खाए, उसके बाद मेरा बिरयानी भी खा गए, दो लेग पीस खाए। किसके लेग पीस, किसके लेग पीस खाए, करना क्या चाहते हो, किसके लेग पीस, ऑब्वियसली चिकन के, चिकन लेग पीस। सो बाय बाय, गुड नाइट सबको। इतनी जल्दी आप तो नाइट आउट पे जाओगे तो पूरा रात को खाना। गाइज एक नाइट आउट वाला हम लोग स्टोरी डाले थे, ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था कि 2 बजे एक लड़की मतलब लड़के के साथ घूम रही है और संस्कार एंड ऑल पता नहीं बहुत कुछ पे बात हो रहा था, ठीक है। सो हम बता दें कि वो स्टोरी एक्चुअली हम लोग लगाए थे 2 बजे, बट वो कैप्चर किया गया था 11 बजे, और 11 बजे ही हम लोग घर चले गए थे, लेकिन वो स्टोरी देख के आप लोग को लगा कि 2 बजे हम लोग नाइट आउट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्या सब नाम, हम लोग 11 बजे घर चले गए थे ना, 11 बजे नहीं, अरे गाइस हम लोग 11 बजे घर, 10 बजे गए थे। अरे झूठ नहीं बोल रहे हम लोग 11, ये फंसाया जा रहा मेरे को, ठीक है। हम लोग 11 बजे घर चले गए थे, लेकिन 2 बजे जो 11 बजे कैप्चर किया गया था वो 2 बजे लगाया गया, तो आप लोग को लगा कि ऐसा नाइट आउट वगैरह कर रहे हैं, तो मेरे पे सवाल नहीं उठ रहा, आप पे ही सवाल उठ रहा है कि आप क्या कर रहे थे 2 बजे। चलो फिर 2 बजे का ये स्टोरी था, आप लोग मान लो, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो स्टोरी एक्चुअली सही में 11 बजे का था, फोटो कैप्चर किया हुआ और 2 बजे हम लोग लगाए थे स्टोरी, तो आप लोग कुछ गलत मत समझना, किसी के संस्कार एंड ऑल पे कोई कमेंट नहीं करेगा, ओके। सो गाइज आप लोग को ऐसा लगता होगा कि कोलकाता आए हुए हैं और बेरोजगार की तरह हमेशा बीस बंगला पे घूमते रहते हैं हम लोग, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हम लोग काम निपटा के काम ख़त्म करके हम लोग घूमने आते हैं, ठीक है, घूमने के आते हैं, मतलब कोलकाता आए हुए तो आप भी कहीं जाओगे किसी दूसरे स्टेट में, तो क्या घर में ऐसा थोड़ी बैठे रहोगे, कहीं ना कहीं तो निकलोगे घूमने के लिए, और जिस काम के लिए जाओगे पहले वो काम करोगे, तो जिस काम के लिए हम लोग आते हैं वो काम करके पहले आप लोग को देते हैं, देते हैं कि नहीं, हमारा म्यूज़िक वीडियो आप लोग को ऑलरेडी मिल जाता है आने के बाद, और उसके बाद फिर अगर हम लोग 1-2 दिन 3 दिन हमारे पास फ्री टाइम क्या मतलब रात में निकलते हैं घूमने के लिए, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि चिल कर रहे हैं, लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब देखा जाए तो किसी से हमारा पहचान भी नहीं है, किसी लड़के से या फिर किसी लड़कियों से कोई पहचान नहीं है, जो भी यूट्यूबर एंड ऑल हैं सब प्रोफेशनली आते काम करते सबके साथ, लेकिन मतलब एक शबनम है जिनसे हमारी पहचान थी थोड़ी, तो फिर मतलब हम लोग इनसे मिलते हैं और इनके साथ घूमते हैं, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि शबनम के साथ ऐसा कुछ स्पेशल है, ऐसा कुछ मतलब, तो कुछ नहीं है बस। ये ऐसे क्यों घूर रही है, क्या मैं उधर देख रही हूँ, उधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, इधर ब्लॉग चालू है, ठीक है, तो बस ऐसे ही घूमने के लिए हम लोग निकल जाते हैं, कोई नहीं है पहचान में तो। अच्छा मतलब अच्छा देखो अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन सही में यार मतलब कोई नहीं कोई नहीं है तो शबनम है, ठीक है समझ गए, चीटिंग करता है तो ठीक है, लेकिन मतलब बहुत अच्छी लड़की है और नहीं, आप मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जाएगा, नहीं गाइस बहुत अच्छी लड़की है और नहीं, और बहुत अच्छे नहीं, नहीं मेरे बारे में कुछ भी नहीं, आप अपना ब्लॉग कीजिए, हाँ क्या कह रहे थे कि कोई नहीं है ऑप्शन, इसलिए शबनम है मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, क्या है कि देखो समझ गए हम, कोलकाता में काफी सारे लोग देखा जाए तो कोलकाता में जितने भी लोग हैं सब
काफी लोग पहचानते भी है और हम लोग भी काफी लोगों को पहचानते हैं, मतलब लेकिन सबसे प्रोफेशनली रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ घूम सकते हैं, इतना फ्रैंक रिलेशन नहीं है कि किसी के साथ घूम सकते हैं, नाइट आउट कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शबनम से बहुत पहले से बात होती थी हमारी इंस्टाग्राम के थ्रू ही, और हम लोग ऐसा बात किए थे कि कोलकाता आएंगे तो घूमेंगे, मतलब घुमाना आप, क्योंकि यहाँ पे कोई घुमाने वाला नहीं था। फिर से वैसा ही आ गया। तो इसीलिए हम लोग साथ में घूमते हैं। सो गाइज कुछ भी ऐसा मत सोचना, ओके? बाकी जैसे प्यार देते हो आप लोग, वैसे ही प्यार देना, ठीक है? और इनके लिए भी हेट कमेंट्स मत करना, इनको बहुत बुरा लगता है हेट कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि आप लोग जब भी रील ऐसा कुछ डलता है इंस्टाग्राम पे तो आप लोग पूरा भर भर के हेट कमेंट्स देते हो। मतलब कभी कभी तो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन तुरंत नहीं पढ़ पाते, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर पाते, बाद में सोचते हैं कि कितने लोग को रिप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कमेंट्स पढ़ते नहीं है, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी सारे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, तो बुरा लगता है इनको भी, दिल से बुरा लगता है, ठीक है? क्या सुनो, आपको बुरा लगता है ना, बता दो अभी आप, तभी लोग आपके लिए भी मतलब सॉफ्ट कमेंट्स करेंगे, हेट कमेंट्स नहीं करेंगे। सब नम आपको ही बुरा लगता है ना? यस, देखिए तो बुरा लगता है, तो प्लीज़ ऐसा कमेंट्स मत करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए जिससे हम लोग और मोटिवेट हो, एनकरेज हो और अच्छे अच्छे रील्स आप लोग तक पहुँचाए, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़की साथ में रील बना रहा हो तो ऐसा ही कुछ रिलेशन हो, ठीक है? नॉर्मल रिलेशन भी हो सकता है। और देखा जाए तो कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस साथ में काम करते हैं, बहुत क्लोज सीन करते हैं और बहुत मतलब किसी भी हद तक सीन करते हैं, तो ऐसा थोड़ी रहता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ रिलेशन रहता है। प्रोफेशनली काम करते हैं फिर नो कॉन्टेक्ट, तो ऐसा रहता है, तो फिर काम करते फिर नो क्या काम करते हैं, मतलब काम करते हैं और उसके बाद फिर बस प्रोफेशनल रिलेशन रहता है, मतलब फॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ इनफॉर्मल नहीं रहता कि हाँ अब जो वीडियो में सीन हो रहा है वो डेली मतलब ऐसा सीन होगा। नॉर्मल लाइफ में तो बस ऐसे ही रहते हैं ना, नॉर्मल फॉर्मल रिलेशन। तो डोंट डू हेट कमेंट्स, ओके? बस प्यार वाला कमेंट्स करिए, ओके? सो चलो फिर मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है और ब्लॉग को अलविदा करने का टाइम आ गया है। आप लोग का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट चाहिए, आपको भी अगर प्यार चाहिए हमारे व्यूअर्स से, हमारे पब्लिक से, तो आप भी बोल सकते हो, और बाकी आपके व्यूअर्स आपके फॉलोअर्स तो आपको प्यार देते ही हैं, और हमारे फॉलोअर्स को कुछ गलत फहमी है, दैट्स वाई वो नहीं दे रहे, लेकिन वो भी देंगे। सो बोल दीजिए कुछ दो शब्द, अरे आप दो शब्द बोलोगे तभी तो वो चार शब्द अच्छा बोलेंगे आपके लिए, अभी दो शब्द नहीं बोलोगे तो चार शब्द गलत गलत निकलेगा फिर से, तो फिर मत बोलना कि हेट कमेंट्स आ रहा है, हेट कमेंट्स आ रहा है। नहीं बोलोगे? मतलब इनको पसंद है हेट कमेंट्स, हेट कमेंट्स ही करो आप लोग। कुछ तो बोलिए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्या बोलूं? आप बोलो कि आप लोग हेट कमेंट्स मत करो। हाँ तो हेट कमेंट मत करो। हाँ खाली खाली अच्छा कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो, ओके? सो बाय बाय, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग प्रसू लवर्स, लाइक फेम।